YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासुओं, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य दिनांक 14 से 20 मार्च के बीच क्या ग्रह गोचर रहेंगे वो दर्शा रहा हूँ। मकर राशि वालों के लिए मकर का स्वामी शनि है और शनि इस समय 7.5 शनि मकर राशि पर चल रहे हैं, हृदय पर चल रहे हैं। हृदय का शनि जो है सो कष्टदायक होता है, यद्यपि शनि जो है सो मकर राशि पर तो अच्छे माने जाते हैं लेकिन 7.5 के कारण अच्छे होकर के भी खराब है। तो 7.5 वालों के लिए जो मकर राशि है उनका स्वास्थ्य के विशेष विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य बिगड़ जा पैरों से संबंधित कुछ तकलीफ पड़ सकती है, पैरों की तकलीफ से सावधान रहना है। कुछ वायु जनित पीड़ा हो जाए अथवा नसों में संबंधित खराबी आ जाए, रक्त विकार हो सकता है। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए ये हृदय का शनि करा रहा है और कर्ज की मात्रा बढ़ सकती है। कर्ज से संबंधित कोर्ट मुकदमा चल रहे हैं उनका भी जो है सो समावेश हो सकता है। कर्म क्षेत्र बिगड़ सकता है और पैसे की उठा पटक चल रही है। तो इस समय मकर राशि जो है सो थोड़े से संघर्ष में चल रही है लेकिन सहयोग करने वाले और भी ग्रह होते हैं जिससे समाधान बन जाता है। गुरु भी है यहाँ पर चल रहे हैं, वो आपकी राशि से गुरु दूसरे स्थान पर है। मकर राशि जो गुरु है तो मकर से गुरु आपकी राशि पर ही चल रहे हैं और शनि भी आपकी राशि पर चल रहे हैं। तो गुरु भी आपकी राशि पर तो आपको थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जब प्रथम गुरु होते हैं तो चिंता कारक होते हैं लेकिन उनकी संतान भाव पर दृष्टि जा रही है। आपकी संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख रहेगा और संतान से संबंधित कोई भी अड़ंगा लगा हुआ गुरु ठीक हो जाएगा। पढ़ाई में स्टूडेंट अगर हैं तो मन लगेगा। जो प्रेम संबंध कर रहे हैं तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाग्य का विकास होगा, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, भक्ति साधना पूजना भजन में मन लगेगा और सब प्रकार से श्रेष्ठ समय आपका गुरु की दृष्टि से दिख रहा है। और बुध देव और शुक्र देव ये दोनों ही ग्रह आपकी राशि से, आपकी राशि जो धनु है, धनु मकर कुंभ तीसरे हैं, तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। मकर और कुंभ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर शुक्र और बुध का होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ये अच्छा योग बना रहा है। इस प्रकार से योग क्या बना रहा है, आपको स्त्री जाति से लाभ होगा, स्त्रियों को जो कार्यरत है उनको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी। और आपका जो अगर यदि दागिने का काम यानी जो कार्यरत है आप, कपड़े का काम व्यवसाय है, कॉस्मेटिक का व्यवसाय है और जेवर का व्यवसाय है, धातु का व्यवसाय है, सोना चांदी का व्यवसाय है, इसमें बड़ा लाभान्वित होने का समय दिख रहा है। साथ साथ में लाभान्वित होंगे और व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। व्यापार में आपका डबल व्यवसाय इस समय होने के योग दिख रहे हैं। इस प्रकार से बुध और मंगल और राहु ये आपके पंचम स्थान पर चल रहे हैं। थोड़े अभी संतान में बाधा आ रही है। अभी मंगल और राहु बाधा कर रहे हैं और इस समय जो गुरुदेव हैं वो बाधा को दूर कर रहे हैं। अब ये द्वंद्वात्मक की स्थिति में क्या होगा कि बाधा होगी लेकिन ठीक हो जाएगी, आएगी अड़ंगा लगेंगे कार्यों में लेकिन ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से सीधे सीधे कार्य नहीं होंगे। तो इस समय शुक्रदेव जो है तो वो आपके जो है सो शुक्रदेव कहाँ हैं, तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान के जो शुक्रदेव हैं
धनु और मकर द्वितीय स्थान पर है। द्वितीय स्थान के शुक्रदेव धन का आयोग बनाते हैं, धन के संयोग अच्छे बनेंगे और नए प्रकार से आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलने वाला है। व्यवसाय में उन्नति भी होगी, साथ साथ में व्यवहार कुशलता, व्यापार और व्यवहार ये दोनों बुध से होते हैं। आपके वाणी में जो संयम है वो आपके लिए व्यापार में उन्नति कारक होता है। देखो ऐसा है कि ग्राहक जो बनते हैं वो आपके वाणी के संयम से बनते हैं। अगर आप जो है सो ग्राहक को की इज्जत नहीं करेंगे और एकदम जो है सो लठ तरीका मार के भगा देंगे या कोई वातावरण दूषित करेंगे, कर्कश वाणी से बोलेंगे तो व्यापार कहाँ से चलेगा। इसलिए कहा गया व्यापार में सबसे ज़्यादा मितभाषी होना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए। मितभाषी यानी मधुर बोलने वाला हो और मितभाषी और मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला हो। क्योंकि व्यापार में आपने एक वस्तु 10 रुपये में खरीदो, 10 रुपये की वस्तु आप खा गए तो आपकी बचत क्या हो गई, या किसी को दे दी फ्री में तो आपकी क्या बचत, जो बचत थे तो वो तो आप खा ही गए, तो अब रहा क्या शेष मूलधन रहा। तो मूलधन में अगर एक आध चीज़ और खा दी आपने तो फिर उस मूलधन को भी खाना शुरू कर दिया आपने। इसलिए व्यापार में व्यवहार होना अच्छा जरूरी है और मितव्ययी और मितभाषी होना चाहिए। तो इस समय वो समय चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया इस सप्ताह आपको ऐसा होना है, मितव्ययी भी रहेंगे और मितभाषी भी रहेंगे और आपको लाभान्वित तभी होंगे आप। और इस समय जो चल रहे चतुर्थ स्थान पे चल रहे हैं आपके कौन से, बुध और मंगल और राहु, मकर कुंभ मीन चतुर पंचम स्थान पर चल रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए मकर कुंभ मीन मेघ पंचम चल रहे हैं मंगल और राहु। अब ये राहु मंगल क्या कर रहे हैं, पंचम भाव स्थान संतान का है, संतान के को कष्ट दे रहे हैं, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, ये उच्चाटन पैदा कर रहे हैं, मन में सपने ज़्यादा आते हैं रात्रि में और सवेरे सपने नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का पूरा दिन आपका, रात और दिन आपका इसी प्रकार से व्यतीत हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बेचैन बने हुए हैं, आपको यहाँ वहाँ के कार्यों में ज़्यादा मन लग रहा है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सुनना, ये सब चीज़ों में आपका मन ज़्यादा है। तो परीक्षा आपके सिर पर है, इसलिए आप थोड़ा आप पढ़ाई में मन लगाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और इसके पश्चात मंगल राहु दोनों बिगाड़ कर रहे हैं। गुरुदेव जो है वो आपकी राशि से बाद में है, शनि देव भी बाद में है, बाद में गुरु बाद में शनि दोनों खर्च कारक है। गुरु अच्छे कार्यों में खर्च करा रहे हैं और शनि देव जो गलत कार्यों में खर्च करा रहे, ये अंतर है। तो शनि और गुरु दोनों जो है गलत कार्यों में खर्च कराने वाले गुरु शनि है और अच्छे कार्यों में खर्च करने वाले गुरु है। तो इस पर गुरु शनि सत्ताधीश, अब ये गुरु शनि का जो युति है वो खर्च के मामले में जो है सो अपव्ययी मितव्ययी दोनों बना रहे हैं। तो ऐसा खर्च होगा तीर्थ यात्रा में खर्च होगा, मंगल कार्य में खर्च होगा, विवाह में खर्च होगा और व्यर्थ का भी खर्च कराएंगे, जुआ सट्टा लॉटरी और शेयर मार्केट आदि में खर्च कराएंगे, उससे सावधान रहना चाहिए। गुरु शनि हो गए, गुरु शुक्र गुरु शनि हो गए। चंद्रदेव जो है इस समय 14 तारीख और 15 तारीख को जो चंद्रदेव है वो आपकी मीन राशि पर चंद्रमा चल रहे हैं, नहीं आपके चंद्रदेव जो है इस समय अष्टमी मरण ध्रुवम सप्तमी राज सम्मान हम राज सम्मान प्राप्त कराएंगे। अष्टमी मरण ध्रुवम अष्टम चंद्रमा आपको यह सो थोड़ा सा कष्ट कारक होंगे, अचानक दुर्घटना का कारण बनेंगे। और नौमे भाग्य वृद्धिश्चय और 17 18 19 को
हमेशा क्या है भाग्य वृद्धि अचानक लाभ होगा सब प्रकार से समय लाएंगे। 20 तारीख को कर्म ईप्सितम कर्म क्षेत्र में प्रगति कराएंगे आपका यश नाम होगा। इस प्रकार से पूरा सप्ताह मकर राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। हरिओम।